दोस्तों आज भारत और बांग्लादेश के बीच T20 सीरीज का पहला और सबसे इम्पोर्टेंट मुकाबला खेला गया और इस मैच में तो रोमांच की सारी हदें पार हो गई। जहां पहले भारत के विध्वंसक बल्लेबाजों अभिषेक शर्मा और संजू सैमसन का तूफान देखने को मिला, तो उपकप्तान हार्दिक पांड्या ने तो लगातार 10 गेंद पर 10 तूफानी छक्के जड़कर क्रिकेट के 70 सालों के इतिहास की धज्जियां उड़ा दी। तो ऐसे में आज हम आपको इस वीडियो में बताएंगे भारत और बांग्लादेश के पहले T20 का रोंगटे खड़े कर देने वाला पूरा हाईलाइट, जिसमें तीनों के विस्फोटक बैटिंग देखकर तो आपके भी होश उड़ जाएंगे। तो ऐसे में आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, लेकिन इससे पहले अगर आप भी टीम इंडिया के बहुत बड़े फैन हैं तो आप इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों जैसा कि आप सभी तो जानते हैं कि भारत और बांग्लादेश के बीच तीन मैचों की रोमांचक T20 सीरीज का शुभारंभ धमाकेदार तरीके से हो चुका है। जब ये कांटे का पहला T20 मुकाबला मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम पर शुरू हुआ, वहाँ टीम इंडिया इस मैच को किसी भी कीमत पर जीतकर बांग्लादेश का घमंड तोड़ना चाहती थी। इस मैदान पर बांग्लादेश के कप्तान नजमुल हुसैन संतो ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया और इंडिया की टीम को पहले बल्लेबाजी करने के लिए आमंत्रित किया, जिसके बाद में भारत की टीम पहले बल्लेबाजी करने के लिए मैदान पर आई। भारतीय टीम के लिए पारी की शुरुआत करने के लिए आज एक नई ओपनिंग जोड़ी मैदान पर उतरी। भारत के लिए आज अभिषेक शर्मा के साथ में यशस्वी जायसवाल मैदान पर उतरे। इन दोनों पर टीम इंडिया को एक बेहतरीन शुरुआत दिलाने की जिम्मेदारी थी, जहां इन दोनों ने शुरू के 2 ओवर तक संभलकर बल्लेबाजी की और सिंगल डबल से पारी को आगे बढ़ाया। हालांकि शुरू में बांग्लादेश के गेंदबाजों ने भी कसी हुई गेंदबाजी की, लेकिन 2 ओवर के बाद में इन दोनों ने ही अपने गियर बदल दिए और खासतौर पर अभिषेक शर्मा ने एक बार फिर से अपने इरादे साफ तौर पर जाहिर कर दिए, जहां अभिषेक शर्मा ने पहले तो तीसरे ओवर में 2 तूफानी छक्के और 1 चौका लगाया। वहीं उसके बाद 4थे ओवर में जायसवाल और अभिषेक शर्मा दोनों ने 1-1 छक्के लगाकर पूरी तरह से बांग्लादेश के गेंदबाजों के ऊपर काउंटर अटैक कर दिया। इन दोनों की बल्लेबाजी से पूरी तरह से बांग्लादेश दबाव में दिख रही थी। वहीं पावर प्ले के अंतिम ओवर में अभिषेक शर्मा ने एक बार फिर से शाकिब अल हसन को टारगेट किया और इस ओवर में भी अभिषेक शर्मा ने 2 लगातार स्टेडियम पार गगनचुंबी छक्के ठोककर अपनी हाफ सेंचुरी पूरी कर ली। सिर्फ 19 गेंदों पर इस तरह से पावर प्ले के समाप्त होने तक भारत की टीम ने 71 रन बना लिए थे। अब कहीं ना कहीं जायसवाल और अभिषेक की यह साझेदारी भारत को एक बड़े स्कोर तक ले जा रही थी, लेकिन 8वें ओवर में मुस्तफिजुर रहमान ने आखिरकार भारत को पहला झटका दे ही दिया। जी हाँ, मुस्तफिजुर ने जायसवाल को आउट कर अपनी टीम को पहली सफलता दिलाई, जहां आपको बता दें कि जायसवाल ने भारत के लिए 15 गेंदों पर 23 रन की पारी खेली, जिसके बाद में बल्लेबाजी करने उतरे आज संजू सैमसन, जहां संजू ने जरूर आते ही कुछ बेहतरीन टाइमिंग भरे शॉट लगाए और 9वें ओवर में टीम के स्कोर को 100 रनों के पार पहुंचा दिया। आज तो संजू भी काफी अच्छी लय में दिख रहे थे और कड़क शॉट खेल रहे थे। फैंस भी भारत की बल्लेबाजी का भरपूर आनंद उठा रहे थे। इस तरह से 10 ओवर की समाप्ति तक इंडिया ने 108 रन बनाए। इन दोनों ने बांग्लादेश की टीम की नाक में दम कर दिया, एक मजबूत साझेदारी बनाई। अब संजू और अभिषेक शर्मा पर टीम को एक बड़े स्कोर तक पहुंचाने की जिम्मेदारी थी। उन्होंने सूझबूझ के साथ में बल्लेबाजी की और सिंगल डबल से पारी को आगे बढ़ाया। हालांकि 15वें ओवर में जरूर एक बार फिर से अभिषेक शर्मा ने अपने हाथ खोले और इस ओवर में अभिषेक शर्मा के बल्ले से एक बार फिर से 1 चौका और 2 ताबड़तोड़ छक्के देखने को मिले। अब अभिषेक शर्मा एक बार फिर से अपने शतक की ओर तेजी से बढ़ रहे थे। वहीं 15 ओवर की समाप्ति तक इंडिया का स्कोर भी 154 रन तक पहुंच गया था, लेकिन 16वें ओवर में आखिरकार भारत को बड़ा झटका लग गया। इस ओवर में अभिषेक शर्मा बड़ा शॉट खेलने के चक्कर में मेहंदी हसन का शिकार बन गए। बता दें कि अभिषेक शर्मा ने इंडिया के लिए 48 गेंदों पर 92 रन की पारी खेली, जहां इस पारी में अभिषेक शर्मा के बल्ले से 7 खतरनाक छक्के और 5 चौके निकले। उसके बाद में संजू का साथ देने के लिए मैच फिनिशर खुद हार्दिक पांड्या मैदान पर उतरे। इनको बखूबी पता था कि इनको लास्ट में कैसे बल्लेबाजी करनी है, जहां आपको बता दें कि आते ही हार्दिक ने दूसरी गेंद पर एक गगनचुंबी छक्का जड़ दिया और अपना इंटेंट साफ जाहिर कर दिया, जिसके बाद संजू ने भी अपने हाथ खोले और 17वें ओवर में संजू के बल्ले से 3 टाइमिंग भरे चौके निकले। वहीं हार्दिक और संजू ने अपने विस्फोटक बल्लेबाजी से 18वें ओवर में अपनी टीम के स्कोर को भी 200 रन के पार पहुंचा दिया। अब कहीं ना कहीं पूरी तरह से बांग्लादेश बैकफुट पर नजर आ रही थी, जिसके बाद अंतिम के 2 ओवर में इन दोनों ने जो बल्लेबाजी की वो वाकई में देखने लायक थी। इन दोनों ने अंतिम के 2 ओवर में 48 रन खुद डाले, जहां अंतिम 2 ओवर में हार्दिक पांड्या के बल्ले से 6 तूफानी छक्के देखने को मिले, जिसमें से उन्हें 2 बार तो नो बॉल भी मिली थी, तो वहीं संजू ने भी 2 आसमानी छक्के और 1 चौका लगाया। इस तरह से टीम इंडिया ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 20 ओवर में 250 रन बना डाले, जहां भारत के लिए हार्दिक पांड्या ने एक बार फिर से फिनिशिंग टच देते हुए 21 गेंद पर 59 रन बनाए। इस दरमियान उनके बल्ले से 7 खतरनाक छक्के भी निकले थे। वहीं संजू ने भी 52 रन की पारी खेली। अब अगर भारत बांग्लादेश को ये मैच जीतना था तो बांग्लादेश को 251 रन बनाने थे, जो कि बिल्कुल भी आसान काम नहीं था भारत के गेंदबाजों के सामने। जिसके बाद में जब बांग्लादेश की टीम इस लक्ष्य का पीछा करने के लिए आई तो उनको आज बेहतरीन और ताबड़तोड़ शुरुआत चाहिए थी, क्योंकि लक्ष्य काफी बड़ा था, लेकिन लक्ष्य का पीछा करने उतरी बांग्लादेश की शुरुआत काफी खराब रही। पहले ओवर में तंजीद हसन को अर्शदीप सिंह ने इनस्विंग गेंद डालकर क्लीन बोल्ड कर दिया और इंडिया को पहली सफलता दिलाई, जहां आपको बता दें कि तंजीद अपना खाता भी नहीं खोल पाए।
जिसके बाद में बैटिंग करने के लिए आए शाकिब अल हसन ने आते ही भारत के गेंदबाजों पर काउंटर अटैक किया और उनका साथ लिटन दास ने दिया। शाकिब एक छोर से लगातार ताबड़तोड़ बैटिंग कर रहे थे और तेजी से अपनी टीम के स्कोर को आगे बढ़ा रहे थे। वहीं लिटन भी उनका अच्छे से साथ दे रहे थे। इन दोनों ने देखते ही देखते सिर्फ और सिर्फ 4 ओवर में अपनी टीम को 50 रन के पार पहुंचा दिया। लेकिन अब टीम इंडिया को विकेट की जरूरत थी और उसके बाद कप्तान सूर्या ने गेंद रवि बिश्नोई को थमाई और बिश्नोई ने आते ही पावर प्ले के अंतिम ओवर में जो गेंदबाजी की उसने मैच को ही पलट दिया। बिश्नोई ने दोनों सेट बल्लेबाजों को आउट कर दिया और इंडिया को बड़ी सफलता दिला दी। जहां शाकिब ने 18 गेंद पर 40 रन बनाए, वहीं दूसरी ओर बल्लेबाजी कर रहे लिटन ने 8 गेंदों पर सिर्फ 12 रन बनाए। इस तरह से पावर प्ले के अंदर बांग्लादेश की टीम ने 62 रन बना लिए, जिसके बाद जरूर महमदुल्ला और मेहंदी हसन ने कुछ अटैकिंग शॉट खेले और भारत के गेंदबाजी लाइनअप पर काउंटर अटैक करने की कोशिश की। खासतौर पर आज रजा काफी ही अटैकिंग बैटिंग कर रहे थे और भारत के हर गेंदबाज के खिलाफ बड़ा शॉट खेल रहे थे। हालांकि इंडिया के पास में काफी रन थे। महमदुल्ला और मेहंदी हसन ने 10 ओवर तक बांग्लादेश की टीम को 100 रनों के पार भी पहुंचा दिया था। अब इन दोनों की कम से कम 15 से 16 की रन रेट से हर ओवर में रन बनाने थे, जो कि बेहद ही मुश्किल था। जहां 10 ओवर के बाद बड़े शॉट खेलने के चक्कर में बांग्लादेश के बल्लेबाज लगातार अंतराल पर भारत के गेंदबाजों के जाल में फंसते चले गए। खासतौर पर रवि बिश्नोई और सुंदर ने बांग्लादेश की लगभग पूरी टीम को समेट दिया। जहां आपको बता दें कि पहले तो 13वें ओवर में बिश्नोई ने 2 झटके दिए बांग्लादेश को। उन्होंने महमदुल्ला को 30 रन के निजी स्कोर पर आउट कर दिया और इसी ओवर में मेहंदी हसन को भी 13 रन के स्कोर पर LBW कर दिया। जिसके बाद 15वें ओवर में सुंदर ने 2 झटके और बांग्लादेश को दिए, जहां बांग्लादेश का पूरा बल्लेबाजी क्रम ताश के पत्तों की तरह बिखर रहा था। हालांकि उनके बल्लेबाजों ने लड़ाई तो लड़नी चाहिए, लेकिन वो अपनी टीम को सिर्फ 175 रन तक ही पहुंचा सके और भारत की टीम ने ये मैच बड़ी आसानी से एक तरफा अंदाज में जीत लिया। आपको बता दें कि ये सिर्फ एक प्रैक्टिस मैच था, बाकी रियल मैच पहला T20 बहुत जल्द खेला जाएगा, जिसे आप बिल्कुल भी मिस नहीं करना चाहेंगे। लेकिन दोस्तों, अब आपको क्या लगता है कि पहले T20 मैच में टीम इंडिया जीत हासिल कर पाएगी या नहीं, नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। और ऐसी शानदार खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।